पिछली बार मन की बात में कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया था, फूड वेस्ट हो रहा है उसके संबंध में चिंता जताई थी और मैंने उल्लेख किया। और जब उल्लेख किया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ऐप पर, माई गॉव पर देश के अनेक कोने में से अनेक लोगों ने कैसे कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ फूड वेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में खासकर के युवा पीढ़ी लंबे अरसे से इस काम को कर रही है। कुछ सामाजिक संस्थाएं करती हैं तो हम कई वर्षों से जानते आए हैं, लेकिन मेरे देश के युवा इसमें लगे हुए हैं ये तो मुझे बाद में पता चला। कईयों ने मुझे वीडियोज भेजे हैं, कई स्थान है जहाँ रोटी बैंक चल रही है, लोग रोटी बैंक में अपने यहाँ से रोटी जमा करवाते हैं, सब्जी जमा करवाते हैं और जो निडी लोग हैं वे वहाँ से प्राप्ति भी कर लेते हैं। देने वाले को भी संतोष होता है, लेने वाले को भी कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है। समाज के सहयोग से कैसे काम होते हैं इसका ये उदाहरण है। घर घर से खाना लेकर टिफिन में रखकर सरकारी अस्पतालों में गरीबों तक पहुंचाने का ये काम राम रोटी योजना के जरिए एक परिवार पिछले 40 सालों से कर रहा है। उज्जैन से शुरू हुआ ये अभियान इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के बाद पिछले 17 वर्षों से भोपाल में चल रहा है। टिफिन हम शाम को छोड़ देते हैं, वो लोग दूसरे दिन सुबह जो खाना उनकी किचन में बनता है वो किचन में 500 रोटी सब्जी जो लोग खाना खाते हैं वही लोग खाना भर के यहाँ पे गरीबों के लिए देते हैं। खाना भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि पौष्टिक और स्वादिष्ट, वो इसलिए क्योंकि ये खाना आपके और हमारे जैसे घरों के किचन से बनकर आता है। टिफिन में खाना देने वाले लोग भी इस परिवार की तारीफ करते नहीं थकते। वो कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से ये लोग इस योजना के जरिए गरीबों का पेट भर रहे हैं। ये निस्वार्थ भाव से सेवा है, इसमें ये लोग हमसे जो हमसे बन पड़ता है वो हम बनाकर देते हैं। अगर आपको कभी जल्दी है, कभी आप नहीं कर पा रहे हो, ये हर तरीके से सपोर्टिव रहते हैं। सिर्फ एक टाइम की रहती है कि आप 10, 10:30, 11 बजे तक इनको टिफिन बनाकर दे दीजिए। घर में जो हमारे को बनता है वो ही हम बनाकर रखते हैं इनके लिए। इस योजना के जरिए रोजाना गरीबों को भोजन कराने वाले परिवार के सदस्य बताते हैं कि उनका मकसद मरीजों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराना है ताकि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट सके। बहुत बड़ा उपकार कर रहा है जी। खाना ले आ भी रहे हैं तो बांट भी रहे हैं सबके लाने, विधि कोई भूखा नहीं रहता है।